जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि मुहूर्त, हम लोग मुहूर्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वीडियो में आपको मुहूर्त के बारे में बता रहा हूं। तो ये मुहूर्त है क्या, पहले तो हमको ये पता चाहिए मुहूर्त क्या है। ये ध्यान रखो कि हमारे जैसे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम जो शुभ कार्य करते हैं तो हमको सुख फल की प्राप्ति हो, इसके लिए हम मुहूर्त देखते हैं। तो मुहूर्त कितने तरह से देखे जाते हैं, एक तो नक्षत्र के द्वारा, नक्षत्र जानते हैं 24 घंटे में एक ही होता है। फिर हम देखते हैं होरा के द्वारा, होरा हर घंटे में मुहूर्त देखा जाता है, यानी 24 घंटे में 24 होरा होती है। फिर मैंने आपको बताया था काल, यानी 24 घंटे में 10 काल होते हैं, कालों को यानी एक मुहूर्त में। फिर उसके बाद बताया था मैंने 30 मुहूर्त होते हैं, यानी 24 घंटे में 30 मुहूर्त। सबसे छोटी इकाई मुहूर्त की देखने की यही है, कौन से ये मुहूर्त देखें, यानी समझ लो एक मुहूर्त जो होता है वो होता है 48 मिनट का। अभी इसको कैसे आप साधन करोगे, कैसे देखोगे, माना हमको नक्षत्र नहीं मिला, होरा का समय नहीं मिला, तो हम सूक्ष्म समय में अपना काम कैसे प्रारंभ करने समय में कि हमको उसका शुभ फल की प्राप्ति हो जाए, उसी को कहते हैं मुहूर्त। तो मैं आज आपको मुहूर्त तीरों से पहले तो आप समझ लीजिए कि 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन में होते हैं, 15 रात्रि में। जिस तरह 15 दिन में होते हैं उसी तरह 15 रात्रि में मुहूर्त होते हैं। एक नाम आपने मुहूर्त का सुना होगा, जैसे अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त में कोई भी काम करना है उसमें ये नहीं देखा जाए कि कौन सी तिथि है, कौन सी ग्रह क्या पड़ा हुआ है, लेकिन एक टाइम है कि अभिजित मुहूर्त जब शुरू होगा, यानी 12:35 से लेकर के 12:15 तक का टाइम, ये जो पीरियड है, इसमें हम कोई भी शुभ काम प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित वो सफल होगा, कामयाब होगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में कोई पूजा है प्रारंभ करते हैं, अर्चना भगवान प्रारंभ करते हैं, हमको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, निश्चित है। तो ये ऐसे जो टाइमिंग है, समय दिए गए हैं मुहूर्त के, तो अगर उस समय में हम कोई कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है। यही मुहूर्त है, पहले आप समझ लीजिए। दिन के जो 15 मुहूर्त हैं उनके नाम नोट कर लीजिए। दिन के जो 15 मुहूर्त हैं उसके नाम है, पहला मुहूर्त जो शुरू होगा उसका नाम रुद्र है, और किस रुद्र लिखा हुआ है, और जैसे आप देखेंगे बृहद ज्योतिष शास्त्र में वहाँ ग्रीष लिखा हुआ है, तो दोनों ही नाम शिव के ही हैं, रुद्र या ग्रीष लिखा हुआ है। और अही दूसरा कौन सा होगा मुहूर्त, अही यानी भुजंग। तीसरा मित्र, चौथा पितृ, पाँचवा वसु, छठा वारा या अम्बु कहीं लिखा हुआ है, सातवां विश्व देवा, आठवां अभिजीत इसको विधि भी कहते हैं, नौवां शतमुखी यानी विधाता, दसवां पुरोहित इंद्र, और ग्यारहवां वाहिनी यानी इंद्रानल, बारहवां नक्तनकरा यानी नैऋति। ये ध्यान करो, ये सब मुहूर्तों के ये नाम हैं। तेरहवां वरुण है, इसे उदकनाथ भी कहीं वरुण लिखा होगा, कहीं आपको उदकनाथ किसी किताबों में लिखा मिलेगा। 14वां आर्यमा, 15वां भक। तो ये जो 15 मुहूर्त हैं ये आपके दिन के मुहूर्त हैं, और 15 रात्रि के मुहूर्तों के नाम आप सोच लीजिए क्या क्या नाम है 15 मुहूर्त। ग्रीस यानी 16वां जो मुहूर्त होगा 15 के बाद रात्रि का, वो होगा ग्रीस, और कहीं कहीं वो शिव लिखा हुआ है, यानी भगवान शिव के ही नाम है, रुद्र से शुरू होता है और यहाँ शिव से शुरू होता है, कहीं ग्रीस लिखा हुआ है, तो उसमें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुद्र गिरीश कहीं लिखा हुआ है, कहीं गिरीश और शिव लिखा हुआ है, अलग अलग किस किताबों में आप लोग भ्रम में ना रहे इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। इसके बाद 17वां है अजकपाद, अजकपाद कहीं लिखा हुआ है, और कहीं पर इसका नक्षत्र लिखा हुआ है पूर्वा भाद्रपद, सबने पूर्वा भाद्रपद के स्वामी कौन है, अजकपाद। इसी तरह 18वां अहिर्वधन्या, ये देव का नाम है, और इसका नक्षत्र कौन सा है, पूर्वा उत्तराभाद्रपद, तो कहीं उत्तराभाद्रपद लिखा है, कहीं उसके देव का नाम लिखा हुआ है। 19वां पुष्णवे, नक्षत्र कौन सा है, रेवती, कहीं रेवती नक्षत्र लिखा हुआ होगा तो कहीं पुष्णवे लिखा होगा, तो उससे अब घबराना नहीं। 20वां मुहूर्त कौन सा, अश्विनी, अश्विनी के स्वामी भी अश्विनी कुमार ही होते हैं, तो इसलिए अश्विनी लिखा हुआ है। 21वां मुहूर्त आपका यम का है, इसका नक्षत्र कौन सा है, भरणी, यानी भरणी का जो स्वामी है वो यम है। 22वां मुहूर्त आपका है अग्नि का, यानी कृतिका नक्षत्र, कृतिका का जो स्वामी है वो अग्निदेव हैं, इनके जो देव हैं। इसी तरह 23वां आपका विधाता है,
रोहिणी नक्षत्र है, कहीं रोहिणी नक्षत्र लिखा होगा, कहीं विधाता लिखा होगा, उसे घबराना नहीं। ये मुहूर्तों के नाम है विधाता, 24वां है कंड यानी वृक्षराग, 25वां अदिति, 26वां जीव यानी अमृत योग, 27वां विष्णु, 28वां अर्क, अर्क को युगम द्युति भी कहते हैं, तो युमिक युमिक द्युति ये कहें या अर्क कहते हैं। 29वां आपका ब्रह्म मुहूर्त है, इसको त्रष्टा भी बोला जाता है। 30वां समुद्रम, कहीं समुद्रम लिखा जाता है समुद्र लिखा है, कहीं मृत लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात्रि के, ये हमारे 30 मुहूर्त होते हैं। अब इनका हम साधन कैसे करें? इनका साधन करने का तरीका ये है कि जो हमारा दिनमान है, दिनमान और रात्रिमान के आधार पर ही ये मुहूर्त निकाले जाते हैं। क्योंकि भाई दिनमान जो है, तिथियाँ रोज घटती बढ़ती रहती है, दिनमान घटता बढ़ता रहता है। किसी पुस्तक में किसी लोगों ने लिख दिया है, विद्वानों ने, कि सुबह 6 बजे से, किसने 6:30 बजे, कोई 7 बजे से, जैसे जिसने अपनी अपनी डब्ल्यू पर अपना राज। लेकिन ये गलत तरीका है, हमेशा ध्यान रखो जो दिनमान है रात्रिमान है आपका, दिनमान को आप क्या करो कि 15 से भाग कर दोगे। दिनमान को 15 से भाग कर दो, जो आपका मान आएगा वो आपका समझ लो एक मुहूर्त का मान होगा। इसी तरह रात्रिमान जो है उसको आप 15 से भाग कर दीजिए, वो आपका एक मुहूर्त का मान होगा। दूसरा, जैसे हम स्टैंडर्ड जो समय लेते हैं, आपको स्टैंडर्ड मैंने बता ही रखा है कैसे मुहूर्त हम निकालते हैं। मुहूर्त निकालने मैंने बताया, दिनमान हो उसको 15 से आप भाग कर दो, एक मुहूर्त आपका निकल जाएगा। इसी तरह रात्रिमान को आप 15 से भाग कर दोगे तो एक मुहूर्त का आपका मान निकल आएगा। ये स्टैंडर्ड मैंने बता रखा है कि एक अहोरात्र यानी दिन रात्रि कितने होती, 24 घंटे की होती है, यानी 24 घंटे की। अब इस 24 घंटे को हमें मुहूर्त निकालना है। मुहूर्त कितने हैं? 15 दिन के, 15 रात्रि के, 30 मुहूर्त हो गए। तो इस 24 घंटे को 24 × 60, इसको पहले हम मिनट बना लेते हैं, 24 × 60, तो इसको मैंने मिनट बना लिया, तो 1440 मिनट हो गया 24 घंटा। हमें एक मुहूर्त निकालना है, तो ये 1440 मिनट को हम क्या करेंगे कि ये जो 30 हमारे मुहूर्त हैं उससे हमने इसको भाग कर दिया, तो एक मुहूर्त का मान निकल आएगा। एक मुहूर्त मान निकालने के लिए ये 1440 जो मिनट है उसको 30 से हमने भाग कर दिया, तो 48 मिनट, एक मुहूर्त का मान कितना होता है? 48 मिनट। 48 मिनट हम जानते हैं कि ये 2 घटी का मान होता है। एक घटी कितनी होती है? 1 घटी = 24 मिनट, यानी 2 घटी, यानी 48 मिनट के यहाँ 2 घटी के मान के बराबर, 2 घटी मान के बराबर हमारा ये एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त को आप 2 घटी भी लिख सकते हो कि 2 घटी बराबर एक मुहूर्त। यानी अब हमको निकालना है क्या है, जैसे मुहूर्त आप निकाल रहे हैं, किसी दिन का मुहूर्त निकालते हो, तो उसे क्रम से कैसे लिखोगे ये ध्यान रखना। अभीष्ट मुहूर्त समय निकालने के लिए जो आपका दिनमान है, दिनमान को आप 5 से, दिनमान को आप 5 से भाग कर दोगे तो आपका सूर्यास्त निकल जाएगा। रात्रिमान को आप 5 से भाग करोगे तो आपका सूर्योदय निकल जाएगा। जो भी आपका दिनमान है रात्रिमान है, 5-5 से भाग कर दीजिएगा। दिनमान को भाग करने से आपका सूर्यास्त हो जाएगा, रात्रिमान को भाग करोगे तो आपका दिन सूर्योदय निकल जाएगा। उस सूर्योदय में आप जो भी आपका समय निकलता है, जब दिनमान को आप 15 से भाग करो, जो मुहूर्त का मान होगा उसमें आप जोड़ते जाइए। उस तरह से आपका क्रम से ये सारे मुहूर्त जो लिखे हुए हैं इनको आप क्रम से उनका मान निकलेगा, कितने समय समाप्त हो रहे हैं, कितने प्रारंभ होंगे, किस समय समाप्त होंगे, तो इस आप क्रम से सभी निकाल लोगे। फिर हमें आपको बताना है कि ये जो मुहूर्त हैं इनका हम प्रयोग कहाँ करें, इसमें कौन सा शुभ है कौन सा शुभ है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसमें शुभ जो मुहूर्त हैं उनको आप नोट कर लीजिए। इसमें शुभ जो मुहूर्त हैं जैसे मित्र वसु वाराह विश्वे देवा विधि यानी अभिजित शतमुखी वरुण अर्यमा अहिर्भुधन्य अश्वनी अग्नि विधाता कंड अदिति जीवनी अमृत विष्णु युमक द्युति अर्क ब्रह्म और समुद्रम। ये जो 20 नक्षत्र, ये 20 जो है मुहूर्त, ये शुभ हैं। इन शुभ मुहूर्तों में हमको क्या करना चाहिए? इन शुभ मुहूर्तों में जैसे विवाह का कार्य है, भवन निर्माण है, यात्रा करना है, मुंडन कराना है, सगाई के लिए जाना है, वाहन खरीदना है, आभूषण खरीदना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, हमको नक्षत्र नहीं मिला उस दिन, अचानक हमको खरीदना पड़ गया, तो हम क्या देखेंगे? ये जो मुहूर्त हमारे हैं 24 घंटों को हमने बांटा हुआ 48-48 मिनट बांटा हुआ, इसमें हमें कोई शुभ मुहूर्त मिल रहा है, ये टाइम हमको मिल रहा है, तो उसमें हम खरीद लेंगे तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा।
इसी तरह हमको अशुभ मुहूर्त पता होना चाहिए। अशुभ कौन से मुहूर्त हैं दिन में निकलते हैं? रुद्र, आही यानी भुजंग, पितृ, पुरोहित, वाहिनी, नकंतरा यानी नैऋत्य भी इसको बोलते हैं, भग, ग्रीस, अजक, पात और यम। ये जो दस ये मुहूर्त हैं ये अशुभ बताए गए हैं। इसमें अशुभ काम करना है, कैसे? मरण वाहन है, तांत्रिक कार्य करना है, शस्त्रार्थ का प्रयोग करना है, झगड़ा करना है, दुष्कर्म करना है, मुकदमा करना है किसी पे, संधि करनी है या चालाकी के काम करने हैं। तो इस तरह के जो काम किए जाते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं, किसमें? अशुभ जो आपका मुहूर्त है। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप लोगों ने मुहूर्त कौन से 30 हमारे हैं, इसको आप मान कैसे निकालोगे, और शुभ मुहूर्तों में क्या कार्य करना चाहिए, अशुभ मुहूर्त में क्या कार्य करना चाहिए। अगर आप लोग कहोगे तो इसका जो साधन करना है, जो तालिका बनाते हैं, तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि कैसे उसका साधन करना है। तो ये आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं इसका बता देता हूँ। अब आप समझ लो, अब आपको ये गणना कैसे करनी है ये भी आपको आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया अभिष्ट मुहूर्त समय साधन कैसे को, जो सूर्योदय है उसमें मुहूर्त का मान निकाल दीजिए। एक उदाहरण के द्वारा आप समझ लो कैसे आप गणना करेंगे। एक मुहूर्त मैंने दे दिया है, इसमें दिनमान जो है 28:45 है, और रात्रिमान जो दिनमान जब 28:45 है आपका, तो 60 में से इसको आप जब माइनस कर दोगे तो 31:15 आपका रात्रिमान निकल आया। मैंने बताया था कि दिनमान और रात्रिमान को आप 15 से भाग कर दीजिए। 15 से इसको भाग करोगे, 15 से इसको भाग करोगे तो दिन का दिनमान में जो दिन के जो मुहूर्त हैं उनका मुहूर्त का मान समय निकल गया, टाइम निकल जाएगा। जब इसको 15 से आप भाग करोगे तो रात्रि में जो आपके मुहूर्त निकलने हैं उनका मान निकल आएगा। तो इसको जब आपने 5 से भाग, मैंने पता था दिनमान को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो आपका सूर्यास्त निकलेगा। इसको 5 से भाग करो तो सूर्यास्त समय आपका 5:45 निकल जाएगा। इसी तरह रात्रिमान को 31:15 जब 5 से आप भाग करेंगे तो आपका जो है सूर्योदय निकल जाएगा। ये 6:15 आपका सूर्योदय निकल जाएगा। भाग करके देखिएगा तो ये चीज़ आपकी निकल आएगी। और मैंने बताया था कि दिनमान को जब आपने 15 से भाग किया तो दिन का जो मुहूर्त मान निकल के आया वो 46 मिनट आया, और जब हमने 31:15 को भाग किया 15 से तो रात्रि का मुहूर्त मान निकल गया है 50 मिनट। तो ये आप लोग भाग कर लीजिएगा समय की, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने यहाँ गणना नहीं करी। अब हमको निकालना है मुहूर्त साधन, मुहूर्त का जो समय है उसको कैसे साधन करना है। तो हमारा पहला मुहूर्त क्या है? रुद्र। रुद्र का मान हम कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि रुद्र का समय निकालना है कि जो सूर्योदय है, सूर्योदय कितना है हमारा 6:15, 6:15 में जो दिन का मुहूर्त मान कितना निकल के हमारा 46 मिनट, वो हमने जोड़ दिया। यानी 6:15 से लेकर के 7:01 तक रुद्र रहा। अब दूसरा मुहूर्त इसके बाद क्या है? आही है यानी भुजंग। आही मुहूर्त कितना हो गया? 7:01 से प्लस 46 मिनट आप जोड़ दीजिएगा। तो क्या इतना 46 मिनट जोड़ दिया, जो कि 7:47 तक आही रहेगा। यानी 7:01 से लेकर के 7:47 तक आपका आही मुहूर्त रहेगा। इस प्रकार नेक्स्ट करिए कि 7:47 मित्र, इसके बाद तीसरा मुहूर्त हमारा कौन सा है? तीसरा मित्र है। तो मित्र मुहूर्त देख लो कि 7:47 में फिर 46 हमने जोड़ दिया तो 8:33 तक मित्र रहा। अब 8:33 से अगला मुहूर्त क्या हमारा? पितृ है। पितृ जो है 8:33 में फिर 46 हमने जोड़ दिया तो 9:19 तक पितृ रहा। फिर 9:19 में पितृ के बाद वसु आता है, वसु मुहूर्त है। उनको क्रम से देख लीजिएगा कि पितृ फिर वसु है, तो वसु 9:19 में फिर 46 हमने जोड़ दिया, 10:05 तक वसु रहा। वसु के बाद 12 है हमारा मुहूर्त, 10:05 फिर 46 हमने जोड़ दिया, तो 46:05 हमने जोड़ दिए थे, 51 हो गया। 10:51 तक 12 रहा। 12 के बाद आता है विश्वदेवा, विश्वदेव विश्व भी कहीं लिखा हुआ है, विश्वदेवा में यानी 10:51 में फिर 46 हमने जोड़ दिया तो 11:37 तक विश्वदेवा रहा। यानी 10:51 से लेकर के 11:37 तक विश्वदेवा रहा। अब इसके बाद विश्वदेव बाद आता है अभिजित, या इसको विधि भी कहते हैं। अभिजित मुहूर्त कितना हो गया? 11:37 से फिर 11:06 इसमें 46 मिनट हमने जोड़ दिया, 12:23 तक ये आपका अभिजित रहा। तो ये मुहूर्त इसी प्रकार हम जो तीसरों मुहूर्त हैं उनका हम साधन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा
ये जो 15 मुहूर्त हैं दिन के, उसमें तो आप 46 मिनट जोड़ेंगे। जब 15 मुहूर्त आपके ये पूरे हो जाएंगे भाग तक, उसके बाद जब आप ये ग्रीष्म लोगे या शिव को लोगे 16 जो मुहूर्त है, तो उसमें जो रात्रि का मान निकल गया, रात्रि मान मुहूर्त मान कितना निकला 50 मिनट, तो वहाँ 46 की जगह आप ये 50 मिनट जोड़ोगे। तो इस तरह से चलो जो 50-50 जोड़ोगे तो वो आ जा करके आपका निकल के आएगा सही मान, यानी पूरे आपके 24 घंटे, 24 घंटे यानी 60 घड़ी पूरी आपकी हो जाएगी। अब ध्यान रखो ये जो मुहूर्त हम निकालते हैं, इनका मान निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 मुहूर्त हमारे हैं। इन 30 मुहूर्तों को देखो कितनी सूक्ष्म गणना की गई कि हर 48 मिनट के बाद, हर 48 मिनट में हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा शुभ है, किस समय आप क्या कार्य कर सकते हैं। अगर हमको नक्षत्र नहीं मिलता, 24 घंटे हमको नहीं मिल रहे हैं, अचानक कोई ऐसी दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, जजमान को काम करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप देख के बता सकते हो मुहूर्त उसको कि हर 48 मिनट में हमारे पास शुभ मुहूर्त आते हैं, वो इस तरह से आते हैं। इनको हमें याद रखना चाहिए, थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन एक दो बार अभ्यास करोगे, गणना करोगे, तो कोई आसान नहीं। पहले आप चार्ट बना लोगे, फिर उसको तिथि के अनुसार गणना आगे पीछे आप लोग कर सकते हो, अभ्यास करते कि निर्भर है। जब ये गणना आपको करनी आ जाएगी और ये कौन से शुभ मुहूर्त वाले हमारे हैं, इसमें मुहूर्त हमारे कौन से शुभ हैं, कौन से शुभ है, शुभ मुहूर्त में हमें कौन सा काम करना है, अशुभ मुहूर्त में हमें कौन सा कार्य करना है, तो ये हम इस तरह से यजमानों को बताएंगे, तो उनका कल्याण और भला होगा, तो कभी कोई दिक्कत बाधा नहीं आती है। तो इस तरह से मुहूर्त का आप लोग तो करिए। आप लोग को इसलिए हमने बताना जरूरी समझा कि हम लोग मुहूर्त में बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन जो प्रारंभिक जो चीज़ें हैं, जो भेष है मुहूर्त का, तो आप लोगों को भेष भी पता होना चाहिए, तिथि है, नक्षत्र है, उसके अनुसार मैंने आपको लग्न वगैरह साधन करना बताया, वो तो अनिवार्य ही है क्योंकि नक्षत्र के अनुसार बताया गया है। लेकिन हर दिन में अचानक कोई ऐसी मुहूर्त हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास रास्ते कौन से हैं। एक तो ये मुहूर्त साधन, होरा मुहूर्त साधन, होरा कितने होते हैं बताया था आपको, 24 घंटे में 24 होरा होते हैं। इसी तरह ये मुहूर्त जो है, ये 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। संगम काल के द्वारा उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, काल का मैंने बताया था 10 काल भी होते हैं, काल गणना आपको बता रखी है, उसकी भी वीडियो मैंने आपको दे रखी है। तो इन सबका आप लोग अध्ययन करिए, इससे करने से आप एक अच्छे ज्योतिषी बनके आप निकलेंगे। आपको मुहूर्त के बारे में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो काल के द्वारा कोई पूछे आपसे, चाहे मुहूर्त के द्वारा पूछे, चाहे नक्षत्र से मुहूर्त निकालना पूछे, आप बेखट के उसको बता सकते हो। चाहे होरा से पूछना चाहे, होरा की विधि बता रखी है आपको, उसके द्वारा भी आप बता सकते हो। तो आपके पास मैंने सारी चीज़ें भी, सारी विधियाँ आप लोगों को बता रखी है, आप लोगों को कहीं हिचक नहीं होनी चाहिए मुहूर्त बताने में। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कहीं आप भी किसी प्रकार की कोई शंका आप लोगों को रह गई हो, बेखटके बेहचक पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को उसकी शंकाओं को आपके दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।